गुड आफ्टरनून एवरीवन. आज तो अलग ही जोश है. चलिए भाई, हम लोग चैप्टर कर रहे थे फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर. फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 29. हाँ जी, देखिएगा प्लीज क्वेश्चन नंबर 29. From the following particulars extracted from the books of Ganguly, prepare trading and P&L and balance sheet as at 31st March 22 after making the necessary adjustments. Ganguly's capital account, jaldi jaldi batao kahan jayega? Balance sheet. Stock as on 1st April 21. Trading. Sales. Trading. Sales return. Purchases, purchase return, carriage invert, trading, very good. Rent, salaries, debtors, creditors, rent, P&L, salaries, मैम creditors तक आ गए थे हम, आगे आ जाओ. Loan from Dena Bank, balance sheet, interest paid, P&L, printing stationery, P&L, उसके बाद एडवर्टीजमेंट, उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड, P&L, कैश विद ट्रेडर्स बैंक लिमिटेड, बैलेंस शीट. हाँ सही कह रहे हो, कैश विद ट्रेडर्स बैंक लिमिटेड, बैलेंस शीट, डिस्काउंट रिसीव्ड, P&L, इन्वेस्टमेंट, बैलेंस शीट, फर्नीचर, बैलेंस शीट, डिस्काउंट अलाउड, P&L, general expense, P&L, audit fees, P&L, fire insurance premium, P&L, traveling expense, postage and telegram, cash in hand, deposits, balance sheet, deposits, balance sheet, drawings, balance sheet. इसके बाद हम adjustments पढ़ रहे हैं, साथ के साथ mark करते जाएंगे. Value of stock as on 31st March 22 is rupees 3,93,000. This includes goods returned by customers on 31st March to the value of rupees 15,000 for which no entry has been passed in the books. बताइए, जब हम क्रेडिट सेल्स करते हैं तब हम एंट्री क्या बनाते हैं? जब हम क्रेडिट सेल्स करते हैं तो हम एंट्री बनाते हैं डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. अब हमारे पास है रिटर्न्स, गुड्स रिटर्न्ड बाय कस्टमर्स, गुड्स रिटर्न्ड बाय कस्टमर्स. कस्टमर ने हमें सामान वापस किया तो ये क्या होगा? सेल्स रिटर्न. तो हमने सेल किया तो एंट्री बनाई डेटर टू सेल, सेल रिटर्न होकर आया तो क्या एंट्री बनी? सेल रिटर्न टू डेटर्स. क्या ये विजिबल है आपको? सेल रिटर्न टू डेटर्स. अब कह रहे हैं हमने ये एंट्री नहीं बनाई है, बनानी तो चाहिए थी पर हमने नहीं बनाई, तो अब क्या करें? अब हम ऐसा करते हैं, सेल्स रिटर्न में भी एडजस्टमेंट करेंगे और डेटर्स में भी एडजस्टमेंट करेंगे. तो हम मार्क कर लेते हैं सेल्स रिटर्न के साथ पॉइंट नंबर वन, डेटर्स के साथ पॉइंट नंबर वन.
उसके बाद स्टार्टिंग में ये भी कह रहे हैं वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 31 मार्च इज 393, दिस इंक्लूड्स गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर्स. तो इस 393,000 के अंदर हमें कुछ एडजस्ट नहीं करना, हमें कुछ भी एडजस्ट नहीं करना. ये एडजस्टमेंट होकर के अमाउंट को निकाला गया है 393,000. कैसे पता चला? क्वेश्चन ने कहा दिस इंक्लूड्स, तो ये दिस किसको बोल रहे हैं? दिस मतलब क्या? क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड्स. तो इसका मतलब स्टॉक में एडजस्टमेंट हो चुकी है, लेकिन हमने जर्नल एंट्री नहीं बनाई. तो हो सकता है माइंड में ये क्वेश्चन आए कि यार ऐसे कैसे हो गया, हमने जर्नल एंट्री नहीं बनाई, लेकिन कह रहे हैं स्टॉक करेक्टली कैलकुलेटेड है. ऐसा इसलिए होता है, हम लोग नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं इन्वेंट्री की वैल्यूएशन. उस चैप्टर में हम एक कमाल की चीज़ सीखेंगे कि जो हम क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं ना, हम जो क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं वो हम जर्नल एंट्रीज से नहीं निकालते हैं. क्लोजिंग स्टॉक के लिए सेपरेट शीट बनाई जाती है जिसको बोलते हैं स्टॉक शीट. क्लोजिंग स्टॉक वहाँ से निकलता है. तो ये एडजस्टमेंट ये कहना चाह रही है कि हमने स्टॉक शीट बनाई है, उसमें तो हमने ये रिटर्न ले लिया, क्लोजिंग स्टॉक करेक्ट है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री हमारी रह गई. तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा यहाँ पे कितना रहेगा? 393,000 ट्रेडिंग में जाएगा और बैलेंस शीट में जाएगा. फिर आते हैं आगे सेकेंड पॉइंट, परचेजेस इंक्लूड फर्नीचर. क्या हम फर्नीचर परचेज करके लाएं तो परचेज में डाल सकते हैं? पर हम क्यों नहीं डाल सकते? क्योंकि फर्नीचर एक एसेट है और परचेजेस के अंदर हम किस चीज़ की परचेज दिखाते हैं? स्टॉक इन ट्रेड की, गुड्स की, वो वाले गुड्स जिसमें हम लोग डील करते हैं. डील का मतलब जिस सामान को हम बेचते हैं. तो जब हमसे कोई ऐसी गलती हो जाती है, हमने गुड्स खरीदे, हमने एंट्री बनाई परचेजेस टू कैश, अब हम फर्नीचर खरीद के लाए, हमें लगा इसको भी कैसे डालेंगे? परचेजेस टू कैश. जबकि इसको कैसे डालना चाहिए था? फर्नीचर टू कैश. इस गलती को हम अकाउंट्स के अंदर बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल. हाँ जी, तो बताइए, हमने फर्नीचर खरीदा और हमने उसको दिखा दिया परचेजेस टू कैश. जब भी हम ऐसी कोई गलती करते हैं उसे अकाउंट्स के अंदर हम कहते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल. और कहते हैं कि एक चार्टेड अकाउंटेंट, कहते हैं एक चार्टेड अकाउंटेंट भी इंसान है, उससे भी गलतियां होती हैं, उसको अकाउंट्स के अंदर सारी गलतियां बाकी करना अलाउड है, लेकिन एक सीए को क्या नहीं करना चाहिए कभी? एरर ऑफ प्रिंसिपल. एक सीए से ये गलती हो सकती है, 10 लाख की जगह उसने 1 लाख लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, वो भी इंसान है, लेकिन एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं करना चाहिए. एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब है बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में जब हम गलती कर देते हैं वो है एरर ऑफ प्रिंसिपल. तो जैसे ही हमने फर्नीचर को परचेजेस में दिखा दिया, इसको हमने क्या बोला? एरर ऑफ प्रिंसिपल. अब क्या करें? कह रहे हैं हमने फर्नीचर खरीदा 1 जनवरी 2022 को 10,000 रुपये का, और हमने इसे दिखा दिया परचेज में. क्या हमें दिखाना चाहिए था? नहीं. तो क्या करें? अब परचेज में से माइनस कर देते हैं और फर्नीचर के अंदर ऐड कर देंगे. लिख देते हैं पॉइंट नंबर 2,
परचेजेस के साथ और फर्नीचर के साथ. फिर पॉइंट नंबर 3, डेप्रिसिएशन शुड बी प्रोवाइडेड ऑन फर्नीचर एट 10% पर एनम. ठीक है, लगा देंगे, कोई खास बात नहीं है. फर्नीचर के साथ पॉइंट नंबर 3. दी लोन अकाउंट फ्रॉम देना बैंक. देना बैंक ने हमें लोन दिया है. द लोन अकाउंट अपीयर्स एज फॉलोज. लोन अकाउंट की मेरे पास डिटेल्स हैं, क्या क्या इफेक्ट होगा इससे. एक तो लोन अकाउंट देखेंगे, दूसरा इंटरेस्ट. इंटरेस्ट पेड के रिसीव्ड. पेड लोन की बात हो रही है, इंटरेस्ट पेड. पॉइंट नंबर 4 लिख कर आते हैं लोन के साथ. पॉइंट नंबर 4, इंटरेस्ट पेड के साथ पॉइंट नंबर 4. बाद में डिटेल देखेंगे कि लोन अकाउंट क्या दिखा रहा है. आगे आते हैं, सन्ड्री डेटर्स इंक्लूड 20,000 ड्यू फ्रॉम रॉबर्ट एंड क्रेडिटर्स इंक्लूड 10,000 ड्यू टू हिम. 20,000 रॉबर्ट से लेना है, 10,000 रॉबर्ट को देना है, क्या करें. हमने कहा नेट इफेक्ट डाल दो इसके अंदर, सेम पर्सन से लेना है फिर सेम पर्सन को देना है. मैंने आपसे 20,000 रुपये लेने हैं, ठीक है, कैसे तुम सब मान गए. हाँ ठीक है, मैंने आपसे 20,000 रुपये लेने हैं और मैंने आपको 10,000 रुपये देने हैं, तो क्या ऐसे करूं कि पहले आप मुझे 20,000 दो फिर मैं आपको 10,000 दूं. नहीं ना, क्या करें. नेट कौन किसको देगा, आप मुझे 10,000 रुपये नेट दे दोगे. तो यानी कि यहाँ पे जो एडजस्टमेंट है इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पर आएगा, डेटर्स डेप्रिसिएशन में, कहाँ कहाँ पर आएगा, डेटर्स में और क्रेडिटर्स में. मार्क करते हैं पॉइंट नंबर 5. देन इंटरेस्ट पेड इंक्लूड 3,000 पेड टू देना बैंक. तो इंटरेस्ट पेड के साथ एडजस्टमेंट आ रही है, तो इंटरेस्ट पेड के साथ पॉइंट नंबर 5. देन इंटरेस्ट रिसीव्ड रिप्रेजेंट्स 1,000 फ्रॉम डेटर्स एंड बैलेंस ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट. तो इंटरेस्ट रिसीव्ड के साथ डालते हैं पॉइंट नंबर 6. कह रहे हैं ये जो इंटरेस्ट रिसीव्ड है तीन जगह से है. यहाँ पर कुछ तो डेटर्स से मिला है, कुछ इन्वेस्टमेंट पर मिला है, कुछ डिपॉजिट पर मिला है. तो ठीक है, जब आएंगे उस पॉइंट पर तब देखेंगे. फिर आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 7. प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट पेबल टू देना बैंक एंड फॉर इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट. कोई सेंस बन रही है इस पॉइंट की. ना भी लिखा होता तो भी हम करते, ना भी लिखा होता वो तो हम तो भी करते, हम तब भी देखते इंटरेस्ट कितना लेना है कितना देना है. तो पॉइंट 7 चाहे लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो, हम तो कोई इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है तो दिखाएंगे, कोई इंटरेस्ट अक्र्यू है हमें नहीं मिला हम तब भी दिखाएंगे. तो पॉइंट 7 तो कुछ खास काम का नहीं है. पॉइंट नंबर 8, मेक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 5% ऑन द बैलेंस अंडर डेटर्स. तो पहले देखिए, ट्रायल बैलेंस में कोई प्रोविजन फॉर बैड डेट आ रहा है, कोई बैड डेट आ रहा है, तो सिर्फ डेटर्स के साथ प्रोविजन बनाना है पॉइंट नंबर 8. तो अगर ऑलरेडी आ रहा होता प्रोविजन फॉर डेटर्स बैड डेट फिर हम अकाउंट बनाते, अभी ऐसा कुछ नहीं आ रहा, सिंपली प्रोविजन बनाना है तो यहाँ पर अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं होगी. अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले फॉर्मेट, फिर वर्किंग नोट, फुल पेज ट्रेडिंग पी एंड एल के लिए. क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है
तो अगले पेज पर भी ना चार पांच लाइन छोड़ के बैलेंस शीट बनाना, जस्ट इन केस पी एंड एल आगे चला गया अगले पेज पर। तो पूरा पेज ट्रेडिंग पी एंड एल, अगले पेज पर भी चार पांच लाइन छोड़ दो, फिर बनाना बैलेंस शीट। देखो सी ए स्टूडेंट्स कितनी आगे होते हैं। अभी 31 मार्च आया नहीं है, पर हमारी बुक्स के अंदर आ चुका है बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022। ट्रेडिंग पी एंड एल बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, वर्किंग नोट के लिए स्पेस डाल देंगे, और उसके बाद जहाँ पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है वो अकाउंट्स हम लोग पोस्ट करेंगे। जहाँ पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है वो वाले अकाउंट्स हम लोग पोस्ट करेंगे। परचेज रिटर्न लिखना था तो हमने परचेज लिखकर फिर स्पेस छोड़ दिया है क्योंकि परचेज पर एडजस्टमेंट है, और फिर माइनस कर दिया है परचेज रिटर्न।
फिर रेंट डाल दिया है, सैलरीज डाल दी हैं, डेटर्स पे, क्रेडिटर्स पे, लोन पे, इंटरेस्ट पे एडजस्टमेंट है, फिर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एंड एडवर्टीजमेंट। इंटरेस्ट रिसीव्ड पर फिर एडजस्टमेंट है, कैश चला जाएगा बैलेंस शीट में, लास्ट में डाल रही हूँ मैं कैश विद ट्रेडर्स बैंक। अगर आप कैश को स्टार्टिंग में भी डाल दोगे तो भी आपके कहीं मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे, मार्क्स डिडक्ट नहीं होते इस बात पर। हम तो सिर्फ कोशिश कर रहे हैं कि चलो जितना बेस्ट प्रेजेंटेशन के करीब पहुंच जाएं उतना बढ़िया है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम लास्ट तक डालें। बट अगर आप लोग स्टार्टिंग में भी डाल देते हो मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। कैश के बाद फिर डिस्काउंट P&L। एक लाइन का गैप दे दिया है, पहले बाय ग्रॉस प्रॉफिट आएगा फिर बाय डिस्काउंट्स रिसीव्ड 49,950। उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स हैं, एडजस्टमेंट है इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट और इंटरेस्ट की लास्ट में देखेंगे। फर्नीचर पे एडजस्टमेंट है, डिस्काउंट, जनरल एक्सपेंस, ऑडिट फीस, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। फिर फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, पोस्ट कर देते हैं। फिर कैश इन हैंड पोस्ट करते हैं, डिपॉजिट्स पे एडजस्टमेंट आ रही है और ड्राइंग्स पोस्ट कर देते हैं।
तो फाइनल अकाउंट्स वाले क्वेश्चन को हम ऐसे ही करेंगे, सबसे पहले वो चीज़ें पोस्ट करेंगे जिन पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, फिर हम पिक करेंगे एडजस्टमेंट्स, और उसमें भी क्या सिस्टम रहेगा, जिस पे सिंगल एडजस्टमेंट है वो सबसे पहले होगा, जिस पर एक से ज़्यादा एडजस्टमेंट है वो बाद में होगा। तो अब हम देखें वन बाय वन हमारे अकाउंट्स, स्टार्टिंग से अब हम पिक करें, कैपिटल अकाउंट पोस्ट कर दिया, ओपनिंग स्टॉक पोस्टेड है, सेल्स पोस्ट कर दिया, सेल्स रिटर्न पर हमने लगा रखी है एडजस्टमेंट नंबर वन। तो एडजस्टमेंट नंबर वन, वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2022 इज 393। तो सबसे पहले तो इसको पोस्ट कर देते हैं ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट में, 393। सेल्स के बाद मिनिमम दो लाइन का गैप चाहिए होगा, सेल्स रिटर्न भी लिखेंगे और उस पर फिर एक एडजस्टमेंट भी आ रही है। तो बाय क्लोजिंग स्टॉक 393 और साथ ही साथ बैलेंस शीट। इसके बाद हमारे पास है रिटर्न्स 15,000 की, जो अभी एडजस्ट नहीं हुई है, सेल्स रिटर्न में एडजस्ट करना है और डेटर्स में एडजस्ट करना है। डेटर्स के लिए वर्किंग नोट पर आते हैं क्योंकि डेटर्स पे काफ़ी एडजस्टमेंट है। सबसे पहला वर्किंग नोट बना रहे हैं हम डेटर्स का, सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस, बैलेंस हमारे पास आ रहा है 1,20,000। इसमें से माइनस करेंगे लेस सेल्स रिटर्न्स नॉट रिकॉर्डेड, पंद्रह हज़ार की सेल्स रिटर्न जो हमने रिकॉर्ड नहीं करी वो यहाँ से माइनस कर देंगे, क्योंकि हमारी एंट्री बनेगी सेल्स रिटर्न टू डेटर्स। तो सेल्स रिटर्न टू डेटर्स, डेटर्स को आप क्रेडिट कर रहे हो, मतलब डेटर्स का बैलेंस कम हो रहा है, तो सेल्स रिटर्न टू डेटर्स, तो डेटर्स में से माइनस, और सेल्स रिटर्न पे चलते हैं, सोचो ऐड होना है कि माइनस, ऐड होना है, वेरी गुड। सेल्स रिटर्न हमने एंट्री बनाई है सेल्स रिटर्न डेबिट टू डेटर्स, तो सेल्स रिटर्न जब डेबिट कर रहे हो तो आप उसका अमाउंट बढ़ा रहे हो, तो सेल्स रिटर्न हमारे पास ऑलरेडी आ रहे हैं 43। अमाउंट हमारे पास आ रहा है 43,000, इसमें ऐड करेंगे अनरिकॉर्डेड रिटर्न्स। अनरिकॉर्डेड रिटर्न्स 15,000, तो सेल्स रिटर्न टोटल आएगा 58,000, और फिर सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस कर देते हैं, आउटर कॉलम में अमाउंट भी लिख देते हैं। तो अगर कोई भी सेल्स रिटर्न होती है जो हमने रिकॉर्ड अभी नहीं की है, तो कोई बात नहीं,
कोई भी अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन है तो सबसे पहले उसकी जर्नल एंट्री सोचेंगे। तो एंट्री बनाई सेल्स रिटर्न टू डेटर्स, तो डेटर्स में जाके माइनस करना है, सेल्स रिटर्न में ऐड करना है। तो हमारी जो टोटल सेल्स रिटर्न है हो जाती है 58,000। सेल में से माइनस करेंगे, सेल आ गया 1390। फिर आगे चलेंगे, अगली एडजस्टमेंट सेल्स रिटर्न के बाद है परचेजेस। परचेजेस पर हमने एडजस्टमेंट डाली है, परचेज इंक्लूड फर्नीचर परचेज्ड ऑन 1 जनवरी फॉर ₹10,000। परचेजेस में इसे हमें इंक्लूड नहीं करना है तो परचेज में से हटा देते हैं। लिखेंगे हम टू परचेजेस 12,15,500 माइनस रॉन्ग रिकॉर्डिंग। माइनस करेंगे रॉन्ग रिकॉर्डिंग 10,000, जो हमने फर्नीचर यहाँ पे दिखाया नहीं दिखाना चाहिए था। परचेज पर और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सारा कुछ हमने दिखा दिया। आउटर कॉलम में अमाउंट को ले जाते हैं। दूसरा इफेक्ट दिखाएंगे फर्नीचर के अंदर। फर्नीचर के अंदर एक से ज़्यादा एडजस्टमेंट आ रही है, वर्किंग नोट पे जाएंगे। डेटर्स वाले वर्किंग नोट में अंदाजे से स्पेस छोड़ेंगे। क्वेश्चन पढ़ चुके हो, माइंड में ऑलरेडी है, प्रोविजन भी बनना है और वो रॉबर्ट के साथ लेना देना चल रहा है, वो भी एडजस्ट होगा। तो 3-4 लाइंस का गैप देखे, फिर अगला वर्किंग नोट फर्नीचर। फर्नीचर का बैलेंस हमारे पास है एज ऑन 1 अप्रैल 2021। मैंने यहाँ पे डेट लिखी है, पहले मैंने डेट नहीं लिखी, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ क्योंकि आगे जाके डेप्रिसिएशन लगाना है, तो डेट लिखी होगी तो डेप्रिसिएशन में गलती नहीं होगी। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल 2021 9,000। इसमें हम ऐड करेंगे न्यू फर्नीचर परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2022। डेट लिखने का मेरा एक ही मकसद है, डेप्रिसिएशन का अमाउंट गलत कैलकुलेट नहीं होना चाहिए। न्यू फर्नीचर हमारे पास है 10,000। तो फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन अगर 20 मार्क्स का है तो हमें 20 में से 20 ही लेने हैं, और अगर एक भी गलती होती है तो उसका इम्पैक्ट आगे जाएगा। इसलिए क्वेश्चन को पढ़ने में समय लगाएंगे, धीरे धीरे करेंगे, एक एक चीज़ को ध्यान रखेंगे जिसमें गलती ना हो। तो डेप्रिसिएशन लगाना है, एसेट है, खरीद रहे हैं, सब डेट्स यहीं पर लिख दो कि बाद में डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो ये हमने फर्नीचर में ऐड कर दिए परचेजेस 10,000, सेकेंड एडजस्टमेंट ख़त्म। उसके बाद अगली एडजस्टमेंट देखो कहाँ लगाई है हमने, परचेज रिटर्न कैरेज रेंट सैलरीज डेटर्स। डेटर्स पर एक से ज़्यादा एडजस्टमेंट है, छोड़ देते हैं। क्रेडिटर्स, उसके बाद लोन और इंटरेस्ट, एक एडजस्टमेंट है या एक से ज़्यादा है? सिंगल एडजस्टमेंट है, सिंगल है ना, इंटरेस्ट से रिलेटेड है वो। अब इसको देखते हैं ज़रा, पॉइंट नंबर 4, लोन फ्रॉम देना बैंक। देखो हमारे पास बैलेंस आ रहा है 1 लाख का, लोन फ्रॉम देना बैंक बैलेंस है 1 लाख। उसके बाद मेरे पास है अकाउंट, पॉइंट नंबर 4, मेरे सामने अकाउंट चल रहा है, ये जो लोन हमने लिया है।
ये अकाउंट मुझे दिखा रहा है बैलेंस 1 लाख, बिल्कुल वही मेरा ट्रायल बैलेंस मुझे दिखा रहा है, बैलेंस इज 1 लाख। अब कह रहे हैं 1 अप्रैल 2021 को इस साल की स्टार्टिंग में बैलेंस आ रहा था 50,000 का, और इस साल के आखिरी दिन 31 मार्च 2022 को हमने और लोन लिया है 50,000 रुपये का, तो इस साल के एंड तक का लोन बन गया 1 लाख। अब इस लोन पर पूरे साल का इंटरेस्ट देखें, 1 अप्रैल को 50,000 का लोन है, इस पर कितने टाइम का इंटरेस्ट लगेगा पूरे साल का, 12 महीने। इंटरेस्ट रेट देखिए कितना है, लोन फ्रॉम देना बैंक 12%, 6,000 ये इंटरेस्ट आ रहा है हमारा। और जो ये वाला अमाउंट है जिस पर हमने 31 मार्च को मैंने लोन लिया है ईयर के आखिरी दिन, इस पर इंटरेस्ट लगना स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से, तो इस साल इस अमाउंट पर कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो इस साल हमें जो देना बैंक को इंटरेस्ट ऑन लोन देना है वो कितना आ जाता है, 6,000 रुपये। अब देखिए हमने इंटरेस्ट दिया कितना है, देखो इंटरेस्ट पेड, अब देखो इंटरेस्ट पेड का टोटल अमाउंट कितना आ रहा है, 4,500। इंटरेस्ट पेड के साथ एडजस्टमेंट नंबर 5 भी आ रही है, इंटरेस्ट पेड इंक्लूड्स 3,000 पेड टू देना बैंक, तो कह रहे हैं 4,500 में देना बैंक वाला 3,000 है, और देना बैंक वाला कितना होना चाहिए, 6,000, यानी कि इंटरेस्ट इज आउटस्टैंडिंग 3,000 रुपीज। तो अब ये बताओ कि टोटल इंटरेस्ट कितना आना चाहिए P&L में, देखो 4,500 के दो टुकड़े हैं, 3,000 देना बैंक का, 1,500 किसी और का देना है, तो 3,000 और 1,500। अब वो जो देना बैंक का देना है उसमें आउटस्टैंडिंग है कितना, 3,000, तो 3,000 दे दिया, 3,000 आउटस्टैंडिंग प्लस 1,500, तो इंटरेस्ट P&L में कितना जाएगा, 7,500। तो आ जाएं हम अपने वर्किंग नोट पर, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन दिखाते हैं। पॉइंट नंबर 3, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड 4,500, 3,000 टू देना बैंक, टोटल इंटरेस्ट फॉर द ईयर, पूरे साल का इंटरेस्ट कितना बनता है, 50,000 का हमारा लोन है, 12% का इस पर इंटरेस्ट रेट है पूरे साल के लिए, 12 महीने के लिए, 6,000 में से हमने माइनस किया इंटरेस्ट पेड 3,000, यानी कि इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग 3,000, इंटरेस्ट टू बी शोन इन P&L इज पेड प्लस आउटस्टैंडिंग, इंटरेस्ट पेड 4,500, आउटस्टैंडिंग 3,000, 7,500। तो अब इस एडजस्टमेंट का इफेक्ट लेकर के जाएंगे फाइनल अकाउंट्स के अंदर, तो क्या क्या रहेगा, P&L में इंटरेस्ट दिखाएंगे 7,500,
बैलेंस शीट में दिखाएंगे इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग 3000, और साथ ही साथ बैलेंस शीट में अब लोन दिखा देते हैं, लोन फ्रॉम देना बैंक 1 लाख। तो चलें हमारे फाइनल अकाउंट्स की तरफ। बैलेंस शीट में लोन फ्रॉम देना बैंक, क्या हम बैलेंस शीट्स के अंदर नाम लिखते हैं जिस बैंक से हमने लोन लिया होता है? तो सिस्टम ये होता है, सोल प्रोप्राइटर अपनी बैलेंस शीट में नाम लिखता है। सोल प्रोप्राइटर तो ऐसे ही दिखाता है, लोन फ्रॉम एक्स बैंक, वाई बैंक, जेड बैंक, सबके नाम आएंगे। लेकिन हमारी जो एक्यूरेट बैलेंस शीट है, दैट इज़ ऑफ अ कंपनी। तो कंपनी के केस में क्या करते हैं, बैलेंस शीट में सिर्फ लोन्स लिखते हैं, और जो हम नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं वहाँ पर हम क्लेरिफिकेशन देते हैं कौन सा लोन कहाँ से हमने लिया है। लेकिन अगर सोल प्रोप्राइटर की बात करें, वो यहीं पे नाम दिखाएगा, इसलिए यहीं पर हमने दिखाया लोन फ्रॉम देना बैंक 1 लाख। फिर हम दिखा रहे हैं इसी के साथ इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग। साथ ही साथ चले गए हम P&L में। टू इंटरेस्ट वर्किंग नोट नंबर 3 7500। फिर उसके बाद देखिए अगली एडजस्टमेंट। अगली एडजस्टमेंट आ रही है हमारे सामने, इंटरेस्ट रिसीव्ड, वो ही आ रही है अगली एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड। देखें इंटरेस्ट रिसीव्ड का अमाउंट है 7250, और कह रहे हैं ये डेटर्स से भी है और इन्वेस्टमेंट का भी है और डिपॉजिट का भी है। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड देखते हैं अब। इंटरेस्ट रिसीव्ड हमारे पास आ रहा है 7250 का। देखते हैं पूरे साल का इंटरेस्ट जो हमें रिसीव होना चाहिए था वो कितना बनता है। तो जहाँ तक डेटर्स की बात है, वो तो क्वेश्चन ही बताएगा डेटर्स से हमने किस बात का इंटरेस्ट लिया है। हो सकता है लेट पेमेंट का है इंटरेस्ट उनसे, तो डेटर्स तो क्वेश्चन बताएगा कितना इंटरेस्ट उनसे है। वो क्वेश्चन बता रहे हैं 1000 है। तो जहाँ तक डेटर्स की बात है, क्वेश्चन ने हमें बता दिया फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स 1000। उसके बाद हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स हैं जिन पर हमें इंटरेस्ट मिलेगा, हमारे पास डिपॉजिट्स हैं जिन पर हमें इंटरेस्ट मिलेगा। देखते हैं इन्वेस्टमेंट पर इस साल का इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए था हमें। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स एट अ रेट ऑफ 5% एज ऑन 1 अप्रैल 2021। साल के स्टार्टिंग से इन्वेस्टमेंट है मेरे पास 25,000 की इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रेट है 5%। कितने महीने का इंटरेस्ट मिलना चाहिए? पूरे साल का। 1 अप्रैल से हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो इन्वेस्टमेंट्स पर इंटरेस्ट जो हमें मिलना चाहिए इस साल 25,000 पर 5%, 1250।
उसके बाद देखो डिपॉजिट्स पर कितना मिलना चाहिए, डिपॉजिट्स हमारे पास आ रहे हैं 1,50,000 के। ये सारे के सारे डिपॉजिट्स हमारे पास कब से हैं? 1 अप्रैल 2021 से। तो इन पर कितने समय का इंटरेस्ट मिलेगा? पूरे 12 महीने का। इंटरेस्ट का रेट आ रहा है 10%, 15,000। यानी कि P&L के अंदर हम बात करें, भाई पूरे साल का इंटरेस्ट कितना बनता है, पूरे साल का इंटरेस्ट हमारा कितना बनता है? 15,000 डिपॉजिट से, 1,250 इन्वेस्टमेंट से, 1,000 रुपये डेटर्स से, पूरे साल का इंटरेस्ट हमारा बनता है 17,250 का, जिसमें से हमें रिसीव हो चुका है 7,250। जिसमें से हमें रिसीव हो चुका है 7,250। हमने कहा बनता है हमारा पूरे साल का इंटरेस्ट 1,000 रुपये डेटर से, 1,250 इन्वेस्टमेंट से, 15,000 डिपॉजिट से। पूरे साल का इंटरेस्ट बनता है 17,250। जो मिल चुका है वो है 7,250। तो जो नहीं मिला अभी 10,000, ये क्या हो गया है? इंटरेस्ट अक्रूड। इंटरेस्ट अक्रूड, अक्रूड का मतलब क्या होता है? अक्रूड मीन्स योर राइट टू रिसीव इंटरेस्ट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड। योर राइट टू रिसीव इंटरेस्ट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड, वो अभी आपको पे नहीं किया गया है। सपोज़ हमारी जो लास्ट जूम क्लास हुई, उसमें दो बच्चों ने चॉकलेट अर्न कर ली। मैंने उनको बोला ये चॉकलेट आपको तब मिलेगी जब हमारी फेस टू फेस क्लास स्टार्ट होगी। तो सपोज़ एक बच्चे ने चॉकलेट 10 जनवरी को ले ली, एक ने 14 जनवरी को ले ली। ले ली मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। मैंने बोला चॉकलेट आपकी, पर मैंने कहा मैं दूंगी कब? जब फेस टू फेस क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो 10 जनवरी को वो आपके लिए क्या है? चॉकलेट अक्रूड बट नॉट रिसीव्ड। चॉकलेट अक्रूड मतलब योर राइट टू रिसीव चॉकलेट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड। आपका राइट बन गया है, चॉकलेट आपकी। मिलेगी कब? जब हम फेस टू फेस क्लास में मिलेंगे। तो इंटरेस्ट अक्रूड मीन्स That is my right to receive interest. अगर पूरे साल इन्वेस्टमेंट मेरे पास थी तो इंटरेस्ट किसको मिलेगा? मुझे। अगर पूरे साल डिपॉजिट मेरे पास थे तो इंटरेस्ट किसको मिलेगा? मुझे मिलेगा। इसलिए जो इंटरेस्ट हमें नहीं मिलता उसको हम बोल देते हैं इंटरेस्ट accrued। कभी कभी शायद आपने ऐसा भी देखा हो, इंटरेस्ट accrued एंड ड्यू, इंटरेस्ट accrued एंड नॉट ड्यू। दो शब्द और भी आते हैं, इंटरेस्ट accrued एंड ड्यू, इंटरेस्ट accrued एंड नॉट ड्यू। देखो उसको भी थोड़ा सा समझ लो। सपोज मेरे पास डिबेंचर्स हैं एक कंपनी के, ये कंपनी मुझे डिबेंचर्स के ऊपर साल में 2 बार इंटरेस्ट देती है। दे सकती है कि नहीं? दे सकती है। आपके टेस्ट में क्वेश्चन भी था, डिबेंचर पर इंटरेस्ट कंपनी 2 बार दे रही है। सपोज़ ये मुझे इंटरेस्ट देती है 30 जून को, 31 दिसंबर को। मेरे पास 5 लाख के डिबेंचर्स हैं और पूरे साल का इंटरेस्ट बनता है 10%। मैंने ये डिबेंचर्स लिए हैं 1 अप्रैल 2021 को। अब जब मैं अपनी बैलेंस शीट बनाऊंगी 31 मार्च 2022 को, जब मैं अपनी बैलेंस शीट बनाऊंगी 31 मार्च 2022 को, तो देखो पूरे साल में मुझे पहला तो इंटरेस्ट मिला होगा 30 जून 2021 को,
कितना मिला होगा? 5 लाख पर 10% 6 मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स के लिए नहीं, 3 मंथ्स के लिए, 1 अप्रैल को लिए मैंने डिबेंचर्स, तो 5 लाख पे 10% 3 मंथ्स के लिए। अगला इंटरेस्ट कब मिला? 31 दिसंबर को 5 लाख पर 10% 6 मंथ्स के लिए। फिर से देखो, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, डिबेंचर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने कंपनी से डिबेंचर खरीदे 1 अप्रैल 2021 को, कंपनी डिबेंचर्स के ऊपर हाफ ईयरली इंटरेस्ट देती है, 30 जून को देगी, 31 दिसंबर को देगी। कंपनी ने 30 जून को इंटरेस्ट दिया, मुझे दिया, क्योंकि 30 जून को मैं डिबेंचर होल्डर हूँ, लेकिन मैं डिबेंचर होल्डर कब से हूँ? 1 अप्रैल से। तो कंपनी मुझे इंटरेस्ट देगी 3 महीने का। पहले वाले 3 महीने का किसको मिलेगा? जो उस समय डिबेंचर होल्डर था, 3 महीनों के लिए रजिस्टर्ड डिबेंचर्स, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स में उसका नाम लिखा गया होगा। तो मुझे 3 महीने का इंटरेस्ट मिला। फिर आया 31 दिसंबर, 31 दिसंबर 21 मुझे फिर 6 महीने का इंटरेस्ट मिला। फिर आई 31 मार्च 22, मेरी बैलेंस शीट की डेट। 31 मार्च 22 को जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगी, उस बैलेंस शीट के अंदर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स मैं दिखाऊंगी 3 महीने का। और वो 3 महीने का इंटरेस्ट क्या होगा? वो कहलाया जाएगा इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू, क्योंकि ये इंटरेस्ट ड्यू किस दिन जाकर के होगा? 30 जून को। लेकिन ये इंटरेस्ट अक्रू हो चुका है, इसका मतलब 31 मार्च तक डिबेंचर मेरे पास हैं, तो इंटरेस्ट मिलेगा किसको? मुझे ही मिलेगा, क्योंकि 31 मार्च तक डिबेंचर मेरे पास हैं। तो हमने बोला इंटरेस्ट अक्रू हो चुका है, लेकिन कंपनी कब देगी? 30 जून को। तो 31 मार्च को ये क्या है? इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू। क्या ये मेरी बैलेंस शीट में आएगा? यस, बिल्कुल आएगा। इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू भी आएगा, इंटरेस्ट अक्रूड एंड नॉट ड्यू भी आएगा। हमारे अकाउंट्स का बेस है अक्रूअल बेसिस, इंटरेस्ट हैज़ बीन अक्रूड। अक्रूड होते ही मेरी बैलेंस शीट के अंदर आएगा, चाहे ड्यू हुआ है चाहे ड्यू नहीं हुआ। हमें किस बात से मतलब है? राइट टू रिसीव इंटरेस्ट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड, इस इंटरेस्ट पे अधिकार मेरा है। 3 महीने डिबेंचर मेरे पास थे, इस इंटरेस्ट पे अधिकार मेरा है, मिलेगा 30 जून को, आएगा बैलेंस शीट के अंदर आज। तो कभी क्वेश्चन आपको ये भी बोल दे इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू, कोई बात नहीं, अक्रू हो चुका है, मेरा है, मेरी बैलेंस शीट के अंदर आएगा। फिलहाल यहाँ पर तो ऐसी कोई बात है ही नहीं। तो अक्रू का मतलब क्या होता है? अक्रू मीन्स राइट टू रिसीव इंटरेस्ट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड। चाहे मुझे इंटरेस्ट अभी नहीं मिला, कोई बात नहीं, वो मुझे मिल जाएगा। तो ये हमारा इंटरेस्ट अक्रूड हो गया, सारा कुछ हमने दिखा दिया, पी एंड एल रह गया शायद हमारा, बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड। बाय इंटरेस्ट 17-50 वर्किंग नोट नंबर 4। फिर उसके बाद हम आ गए हैं लास्ट एडजस्टमेंट पर, डेटर्स और क्रेडिटर्स। लास्ट एडजस्टमेंट पर डेटर्स की तरफ आते हैं अब। देखो, सन्ड्री डेटर्स इंक्लूड 20,000 ड्यू फ्रॉम रॉबर्ट एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स इंक्लूड 10,000 ड्यू टू हिम। तो ये हम समझ गए हैं, 20,000 लेना है, 10,000 देना है, तो नेट इफेक्ट पे काम करेंगे।
तो यानी कि हम डेटर्स और क्रेडिटर्स में से दोनों में से कितना कितना हटा दें, हम 10,000 रुपये हम हटा देते हैं, डेटर्स में से भी क्रेडिटर्स में से भी। तो डेटर्स में यहाँ पे लिखेंगे माइनस म्यूचुअल कैंसिलेशन अगेंस्ट सन्ड्री क्रेडिटर्स। ₹10,000 म्यूचुअल कैंसिलेशन का मतलब है सेम क्रेडिटर है, सेम डेटर है, तो उसका जितना कॉमन पोर्शन आ रहा था वो हमने हटा दिया। ऐसे हम क्रेडिटर्स में से करेंगे, क्रेडिटर्स में से सिर्फ इतना ही अमाउंट एडजस्ट करना है, सीधा बैलेंस शीट में कर सकते हैं। तो बैलेंस शीट में लिखे हमने क्रेडिटर्स 74,000 लेस म्यूचुअल कैंसिलेशन अगेंस्ट डेटर्स 64,000। तो हम लोग कितना अमाउंट एडजस्ट कर देंगे, जितना कॉमन होगा। हमें रॉबर्ट से 20,000 रुपये लेने हैं और 10,000 रुपये देने हैं, तो हमने कहा भी 10,000 रुपये दोनों साइड से कैंसिल कर दो। तो क्रेडिटर में से भी 10 चले गए, डेटर्स में से भी 10 चले गए। ये हो गया हमारा एडजस्टमेंट नंबर 5। उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 8 देख लेते हैं, डेटर्स से कनेक्ट कर रहा है। मेक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 5% ऑन डेटर्स। हमें यहाँ पे अकाउंट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले से कोई बैलेंस नहीं है, हमें इस समय प्रोविजन बनाना है, तो कोई अकाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम देखेंगे डेटर्स का बैलेंस इस समय कितना आ रहा है हमारे पास, 95,000। बस इस पर हम बनाएंगे प्रोविजन 4750। फाइव परसेंट के रेट पर क्लोजिंग बैलेंस पर प्रोविजन। तो जब हम प्रोविजन बनाते हैं तो उसका दो इफेक्ट इस तरीके से आता है, एक तो हम डेटर्स में से माइनस करेंगे और दूसरा हम इसको P&L अकाउंट में दिखाएंगे। जब हम प्रोविजन बनाते हैं जर्नल एंट्री ये बनती है P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट। जब हम प्रोविजन बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं। सेम चीज़ को अगर मैं आपको अकाउंट के थ्रू दिखाऊं, तो यहाँ पर इस तरीके से काम हो रहा है, प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट बैलेंस ब्रॉट डाउन हमारे पास नहीं है क्योंकि हमने इससे पहले प्रोविजन नहीं बनाया, हम लोग इस साल पहली बार बना रहे हैं तो हमारे पास ब्रॉड डाउन नहीं है। इस साल हमारे कोई बैड डेट्स भी नहीं हुए तो टू बैड डेट्स अगेन निल। इस साल हमें प्रोविजन बनाना है तो टू बैलेंस कैरेट डाउन, यहाँ पर ये अमाउंट आ जाएगा 95,000 का 4.5%। ये हमने प्रोविजन बनाया 4750। इस अकाउंट में और कुछ नहीं आएगा, अकाउंट क्लोज। बैलेंसिंग फिगर कैसे जाएगी, थ्रू P&L,
तो यहाँ पर ये आ गया बाय P&L 4750। तो इसलिए हम कहते हैं अगर पहले से कोई बैलेंस नहीं आ रहा तो आप अकाउंट नहीं भी बनाओ तो भी कोई गलती नहीं होगी। प्रोविजन फॉर बैड डेट डेटर में से माइनस कर दो और साथ में P&L में ले जा कर के डेबिट कर दो। तो अकाउंट नहीं बना रहे क्योंकि और कोई बैलेंस ही नहीं है। तो अब सिर्फ डेटर्स में से हमने माइनस कर दिया, डेटर्स का बैलेंस देख लेते हैं, बैलेंस शीट में ले जाते हैं। 9 डेटर्स ले जाते हैं बैलेंस शीट में, प्रोविजन ले जाते हैं P&L में। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स वर्किंग नोट नंबर 1। अच्छा, इंटरेस्ट रिसीव्ड हमने लिखा था, उसके साथ साथ मुझे उम्मीद है आपने इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट दिखा दिया होगा। इन्वेस्टमेंट्स और डिपॉजिट्स हमारे बैलेंस शीट में हैं 25,150। हाँ जी हाँ जी, अक्रूड इंटरेस्ट भी आएगा। फिर डेटर्स के बाद फिर हम डेप्रिसिएशन लगा देते हैं फर्नीचर पर। डेप्रिसिएशन एट अ रेट ऑफ 10%। देखिए चेक कीजिए डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 1150। एब्सोल्युटली करेक्ट। सभी एक बार आराम से चेक कीजिए फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का रेट चल रहा है 10%, तो 9,000 पर पूरे साल के लिए 10%, और जो हमारा नया फर्नीचर है 1,000 का 10% का रेट 3 महीने के लिए, क्योंकि ये फर्नीचर हमने ख़रीदा 1 जनवरी को। तो ये हमारी टोटल डेप्रिसिएशन 1150। डेप्रिसिएशन जाएगी P&L में, फर्नीचर का बैलेंस देख लीजिए वो जाएगा बैलेंस शीट में। देखिए कितना आ रहा है बैलेंस, 1750। तो डेप्रिसिएशन P&L और फर्नीचर बैलेंस शीट। डेप्रिसिएशन पोस्ट करने के बाद फिर एक बार सारी एडजस्टमेंट्स दोबारा पढ़ लीजिए, चेक कर लीजिए कुछ छूटा तो नहीं है, सब कुछ हमने एडजस्ट कर दिया या नहीं। तो सारा कुछ हमने एडजस्ट कर दिया है, कुछ नहीं छूटा है। अब भगवान जी का नाम लेकर, भगवान जी का नाम लिए बिना मत करना, अब भगवान जी का नाम लेकर अब चेक करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट।
देखिए ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है, $279,500। पहला आसान पड़ाव तो हो गया, सीए फाउंडेशन तो हो गया, अब उसके बाद सीए इंटर पे आएंगे, नेट प्रॉफिट निकालेंगे। कैलकुलेटर की ये किट 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 एकदम म्यूज़िक की तरह लग रही है कि भाई कैलकुलेटर सही सही काम करना, बिल्कुल सही नेट प्रॉफिट बताना। 70,500 एब्सोल्युटली करेक्ट। देखिए आराम से चेक कीजिए, नेट प्रॉफिट 70,500। जिनका आ गया सीए इंटर भी हो गया, अब फिर बैलेंस शीट पे जाएंगे, सीए फाइनल कि भाई बैलेंस शीट मैच हो रही है कि नहीं हो रही है। हाँ जी, सभी का आ गया नेट प्रॉफिट 70,500। फिर चलें बैलेंस शीट पर। कैपिटल कितना आ रहा है? देखिए बैलेंस शीट टोटल, एक साइड का मत बताना, पहले दोनों साइड चेक कर लो। चेक कर लिया, 728। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बैलेंस शीट के सही टोटल तक आ गए, 7,28,000। पूरे 20 नंबर आपके हाथ में। सात लाख अट्ठाईस हजार दोबारा जरा आराम से देखिए, क्वेश्चन कोई डाउट हो तो बताइए। क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है क्या? सीए फाउंडेशन मुश्किल लग रहा है क्या? बहुत ज्यादा। अच्छा तो देखो भाई, अगर मुश्किल लग रहा है तो फिर मेरी एक बात सुन लो, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, लिबास यानी कि क्लोथ्स। जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं
वो इतिहास बदलते हैं। तो अगर आपकी फैमिली कंडीशन अभी ऐसी है कि फिनेंशियली बहुत अच्छी नहीं है और आप सीए कर गए, तो आप अपनी फैमिली का इतिहास बदलोगे। अगर आपकी फैमिली में आप वो पहली गर्ल हो जिसको आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, और अगर आपने कर ली सीए, तो आप अपनी फैमिली का इतिहास बदलोगे। अगर अभी ये हिसाब है कि आपकी फैमिली को ज़्यादा वैल्यूएबल समझा नहीं जाता, अड़ोसी पड़ोसी कुछ भी बोल देते हैं, अरे ये क्या कर लेंगे हमारा, कुछ नहीं, और अगर आपने सीए कर ली और सीए करने के बाद टॉप मोस्ट पोजीशन कहाँ तक पहुँच सकते हो एक कंपनी के अंदर, CFO, चीफ फिनेंशियल ऑफिसर, तो अगर आप वहाँ तक पहुँच गए, तो फिर आप अपनी फैमिली का इतिहास बदलोगे। कभी आप में से कई बच्चे आके बोलते हैं कि हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनका संडे ऑफ होता है, वो पार्टी कर रहे हैं, वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, उनकी लाइफ सॉर्टेड है, और हम लोग जो हैं, हम लोग 7 days जो हैं वो हम पढ़ाई कर रहे हैं। और कि जब कोई प्लान बनता है घूमने का, हमें बुलाते हैं, हम मना कर देते हैं, तो सब हमारा मजाक उड़ाते हैं। मजाक में क्या कहते हैं जो मजाक उड़ाते हैं? हाँ, बड़े लोग और सीए साहब, और सीए में घुस के आपने अपनी ज़िंदगी जो है वो बर्बाद कर ली। देखो, जो आपके फ्रेंड्स ऐसा सब कुछ कहते होंगे, अगर हम उनसे पूछें कि आपका कल का प्लान क्या है, वो बोलेंगे पता नहीं। हमसे पूछो आगे 4 महीने का स्केड्यूल रेडी है हमारा, और भी कह सकती हूँ कि इस क्लास के अंदर ऐसे बच्चे भी होंगे, दावे के साथ कह सकती हूँ, यहाँ बैठे होंगे जिन्होंने 4 महीने का नहीं, आगे 4.5 साल का स्केड्यूल रेडी कर रखा है कि यार May 22 में फाउंडेशन, May 23 के अंदर CA इंटर, फिर उसमें फर्स्ट ग्रुप है, सेकंड ग्रुप है, दोनों देना है, एक एक करके देना है, उसके बाद 3 साल की आर्टिकलशिप, उसके बाद CA फाइनल, सिंगल ग्रुप है, बोथ ग्रुप है, और फिर उसके बाद होगी CA। लाइफ उसकी सॉर्टेड नहीं होती जिसको कल का भी प्लान पता नहीं होता, लाइफ उसकी सॉर्टेड होती है जिसको आगे 4.5 साल का प्लान पता होता है। आप सबकी, यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं, एक 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 बच्चे की दिल से मैं बहुत बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, आप सबकी दिल से मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है 7 days वर्क वीक क्या होता है जो आप लोग कर रहे हो। 7 days वर्क वीक, बिना हॉलीडे के आप चल रहे हो। CA स्टूडेंट कोई नॉर्मल इंसान नहीं होता, हर किसी के बस की बात नहीं है 7 day वर्क वीक पर आ जाओ। आप लोग हो, कौन सा ऐसा बच्चा होता है जो सुबह क्लास अटेंड करके शाम को टेस्ट देता है? आप लोग कर रहे हो ना, संडे को सुबह क्लास अटेंड कर रहे हो, शाम को टेस्ट दे रहे हो, मजाक की बात नहीं है। तो अगर मैं आपकी वैल्यू देख सकती हूँ, तो आप अपनी वैल्यू खुद देख सकते हो। मैं आपको बोलती हूँ ना कि आप लोग आज अपने आप को सीए मानो, मैं बोलती हूँ ना, आपको शायद ऐसा लगता है कि मैम हमें मोटिवेट करने के लिए कह रही हैं, मैं आपको इसलिए बोलती हूँ आज आप अपने आप को सीए मानो, क्योंकि आपका स्केड्यूल आज की डेट में किसी सीए से कम नहीं है। एक सीए जो Big 4 के अंदर है, उसका स्केड्यूल क्या है? सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक, संडे हॉलीडे नहीं है, वर्किंग है, एक्स्ट्रा काम है, पूरे हफ्ते का भी निपटाना है, और आपका भी सेम स्केड्यूल है। तो इसलिए कोई अगर आपको कुछ भी बोले, सिर्फ मुस्कुराना, दिल में ये जानते हुए
कि आप लोग जो काम कर रहे हो वो आसान नहीं है. मतलब मैं जेन्युइनली कहती हूँ, अगर सीए करने वाला बच्चा कभी भी फेल हो जाता है ना, चाहे वो सीए फाउंडेशन में हो, चाहे वो सीए इंटर में हो, चाहे वो सीए फाइनल में हो, अगर सीए का बच्चा कभी फेल भी हो जाता है ना, तब भी उसको सर उठा कर के चलना चाहिए. सीए स्टूडेंट की लाइफ किसी सीए की लाइफ से जो है कम हेक्टिक नहीं है. और ये लाइफ आप निकाल रहे हो, इसको बोलते हैं लाइफ का सॉर्टेड होना. आज अगर घर में शादी का कार्ड आ जाए ना, 22 मई की शादी है, तो क्या होगा, आप सब घर में बोल दोगे भैया ऐसा है हमारा नाम तो हटा दो, हम तो जाने से रहे, जिसको जाना है जाओ, हमारा तो 23 को पेपर है. तो मुझे बताओ सक्सेसफुल पर्सन कौन होता है जिससे 4 महीने पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, या वो होता है शादी का कार्ड आया चलेंगे जी. कौन है सक्सेसफुल पर्सन? आज आप मना कर दोगे 22 मई की शादी है, मैं मुझे नहीं जाना, तो क्या बोलेंगे आपको बड़े लोग? बड़ी अच्छी बात है सीए साहब, अच्छी बात है. तो इसलिए आपको क्या करना है, खुश रहना है. इस बात पे कभी उदास नहीं होना कि हम लोग पार्टी नहीं कर पा रहे, हम लोग इन्जॉय नहीं कर पा रहे. तो देखो भाई, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं. जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं. जीवन में अपनी पहचान मेहनत करने वाले बनाते हैं, समय बर्बाद करने वाले क्या खाक जिया करते हैं. तो आप लोग कौन हो? मेहनत करने वाले इंसानों, और हमेशा मुस्कुराना इस बात पर, ठीक है? और मुस्कुराते मुस्कुराते अगले क्वेश्चन पे आएंगे. क्वेश्चन नंबर थर्टी देखेंगे प्लीज. क्वेश्चन नंबर थर्टी द बैलेंस शीट as on 1st January 21 was as follows. Question का format बदल गया है. अभी तक हमारे पास balances आते थे trial balance के अंदर, इस समय हमारे सामने है balance sheet. Balance sheet साल के starting की available है. Trade payables means creditor. Expenses payable यानी कि expense outstanding. देन कैपिटल एसेट्स हमारे पास हैं प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर फिक्स्चर, ट्रेड रिसीवेबल, कैश, स्टॉक. ड्यूरिंग 2021 P&L रिवील्ड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 15,30,000. हमने कहा यही तो हमें बनाना था फाइनल अकाउंट्स में, पर ये तो उन्होंने बना लिया. कह रहे हैं P&L हमने बना लिया, नेट प्रॉफिट 15,30,000 है. This was after allowing for the following. इस P&L को जब हमने बनाया तो हमने इसमें क्या क्या दिखाया है. Interest on capital at a rate of 6%, depreciation on plant and machinery 10%, furniture fixture 5%, provision for doubtful debts at a rate of 5% of debtors. ठीक है, सब कुछ ठीक ही लग रहा है, कोई गलती तो नहीं है P&L में, कोई गलती नहीं है अभी तो. फिर आगे कह रहे हैं, बट वाइल्ड प्रिपेयरिंग P&L अकाउंट ही हैड फॉरगॉटन. ये लो, यही रह गया था. कह रहे हैं हम भूल गए, क्या करना भूल गए हम, फॉरगॉटन टू प्रोवाइड फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस टोटलिंग 180, प्रीपेड इंश्योरेंस टू द एक्सटेंट ऑफ 20,000. कह रहे हैं एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग था 180, क्या हमें P&L में दिखाना चाहिए था? दिखाना चाहिए था. एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग यानी कि इस साल का है, हमने पे नहीं करा तो कोई बात नहीं, P&L में दिखाना चाहिए था, बट हमने नहीं दिखाया.
फिर कह रहे हैं प्रीपेड इंश्योरेंस 20,000 की हमने P&L में एडजस्ट नहीं करी, तो क्या हमें करनी चाहिए थी? क्या करना चाहिए था? इसे हमें हटाना चाहिए था। प्रीपेड का मतलब है अगले साल की है, हम इस साल नहीं दिखाएंगे। हमें हटाना चाहिए था पर हमने नहीं हटाया। उसके बाद कह रहे हैं हम 31 दिसंबर 2021 को आपको बैलेंसेस दे रहे हैं। इन्वेंट्री का बैलेंस है, डेटर्स का बैलेंस है, कैश है, ट्रेड पेबल है। ड्यूरिंग द ईयर ही विड्र्यू 6 लाख फॉर डोमेस्टिक यूज़, ड्रॉ अप हिज बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द ईयर। यानी कि हमें सिर्फ इस क्वेश्चन में क्या बनानी है? बैलेंस शीट। और क्योंकि P&L में मिस्टेक हुई है तो P&L को भी करेक्ट करना पड़ेगा, तो वर्किंग नोट में P&L करेक्ट करके बनाएंगे, फाइनल आंसर में बैलेंस शीट बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पेज बहुत रहेगा, आधे से थोड़े ज़्यादा पेज पर बैलेंस शीट और बाकी वर्किंग नोट। बैलेंस शीट बना रहे हैं हम क्लोजिंग। क्वेश्चन में डेट आ रही है 31 दिसंबर 2021। बैलेंस शीट के बाद फिर वर्किंग नोट, वर्किंग नोट से ही स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो करेक्ट प्रॉफिट निकालेंगे, फिर वन बाय वन बैलेंस शीट आइटम्स पोस्ट करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट नेट प्रॉफिट। करेक्ट नेट प्रॉफिट के लिए P&L फिर से बनाएंगे। और ब्रैकेट में लिखेंगे एडजस्टमेंट। P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। P&L जो बनाया है उसमें कुछ गलतियां हैं, उसको करेक्ट कर रहे हैं। P&L एडजस्टमेंट अकाउंट स्टार्ट करेंगे उस प्रॉफिट से जो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है हमारे सामने, और इसको हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ऑलरेडी कैलकुलेटेड प्रॉफिट आ रहा है 15,30,000। तो क्योंकि हम P&L अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखते हैं टू नेट प्रॉफिट, तो जब हम उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करके लेकर आ रहे हैं तो क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो क्योंकि हम P&L एडजस्टमेंट बना रहे हैं तो ऑटोमेटिकली बैलेंस ब्रॉट डाउन का मतलब है मैंने यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिखाया है 15,30,000 का। इस नेट प्रॉफिट को निकालते समय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिखाने थे, वो हमने नहीं दिखाए, तो अब दिखा देते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हम एक्सपेंस के अंदर जाकर के ऐड करते हैं। इम्पैक्ट इसका आता है डेबिट साइड पर, तो डेबिट साइड पर हम अब लिखेंगे टू एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग। तो नॉर्मली क्या होता, हमारे पास एक्सपेंस का अमाउंट होता और उसके अंदर हम आउटस्टैंडिंग को ऐड कर देते। अब हमने जब P&L बनाया
एक्सपेंस का अमाउंट था हमने लिखा, पर हमने उसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऐड ही नहीं करे। तो अब जो एक्सपेंस का अमाउंट है वो तो लिखा हुआ है ही, हमें सिर्फ क्या करना है, आउटस्टैंडिंग को दिखाना है। तो टू एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग 180। फिर हमारे पास है प्रीपेड इंश्योरेंस। नॉर्मल पीएनएल में हम क्या करते, हमारे पास एक इंश्योरेंस का अमाउंट आ रहा होता, इसमें से हम माइनस करते प्रीपेड 20,000। अब हमने जब पीएनएल बनाया तो हमने इंश्योरेंस तो दिखा दिया, लेकिन उसमें से माइनस करना था प्रीपेड, वो हमने दिखाया नहीं। तो अब क्या करें, अब क्रेडिट साइड पर दिखा देते हैं। नॉर्मली नहीं दिखाते हम, लेकिन अब इस केस में कैसे करेंगे, क्रेडिट साइड पर दिखाएंगे, बाय प्रीपेड इंश्योरेंस। तो अगर हम नॉर्मल पीएनएल की बात करें, करेक्ट पीएनएल जो मेरा बनता, उसमें हमने कुछ एक्सपेंस लिखे होते, उसमें ऐड करना था आउटस्टैंडिंग। तो हमने एक्सपेंस तो दिखा दिए, आउटस्टैंडिंग ऐड करना हम भूल गए। तो अब क्या करें, एडजस्टेड पीएनएल में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिखा देते हैं। ऐसे ही इस सही वाले पीएनएल में हम दिखाते इंश्योरेंस, और यहाँ से हम माइनस करते प्रीपेड। अब हमने इंश्योरेंस तो दिखा दिया, लेकिन हम प्रीपेड माइनस करना भूल गए। तो इंश्योरेंस होता तो हम माइनस कर देते, अब यहाँ पे इंश्योरेंस तो है नहीं, प्रीपेड माइनस करना है, तो क्या करें, ऑपोजिट साइड पे दिखा देते हैं, बाय प्रीपेड इंश्योरेंस 20,000। दोनों एडजस्टमेंट हो गई, अब निकाल लेते हैं करेक्ट नेट प्रॉफिट। प्यारा सा कोरस था ये एकदम, 13,70,000। तो 13,70,000 करेक्ट नेट प्रॉफिट है। सबसे पहले तो बैलेंस शीट में इन तीन आइटम्स को ले जाते हैं, फिर ओरिजिनल बैलेंस शीट देखेंगे क्या है। जब तक ये तो हमने दिखाया ही नहीं, तो इसका इम्पैक्ट अभी आया ही नहीं है, तो पहले इनको दिखाते हैं। तो बैलेंस शीट के अंदर जाकर हमारा कैपिटल आ रहा होगा, इसमें ऐड करेंगे करेक्ट नेट प्रॉफिट 13,70,000। साथ में दिखाएंगे एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, साथ में दिखाएंगे प्रीपेड इंश्योरेंस, तो ये जो हमने एडजस्ट करा है, ये तो अभी तक हमने कहीं दिखाया ही नहीं था, तो दो दो इम्पैक्ट आने थे इसके, तो पीएनएल में दिखा दिया, साथ ही साथ बैलेंस शीट में दिखा दिया। अब वन बाय वन देखते हैं बैलेंस शीट आइटम्स। पहले तो वो देखते हैं जिनके बैलेंसेस गिवन है हमें 31 दिसंबर 2021। सबसे पहले तो इन्वेंट्रीज गिवन है, इन्वेंट्री में और कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं, तो सीधा बैलेंस दिखा देते हैं। 14,50,000। अभी सबसे पहले हम लोग वो बैलेंसेस देख रहे हैं जो क्वेश्चन दे रहा है हमें 31 दिसंबर को। उसके बाद हमारे पास है ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल में और कुछ हुआ था, प्रोविजन बनाया गया था, तो इसमें से माइनस करना होगा। तो ट्रेड रिसीवेबल 20,00,000,
माइनस करेंगे प्रोविजन. फाइव परसेंट के रेट पर है तो 1 लाख प्रोविजन, तो 19 लाख के डेटर्स. उसके बाद कैश एट बैंक और ट्रेड पेबल्स दोनों पर ही फर्दर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो अमाउंट दिखा देते हैं. फिर उसके बाद कह रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर ही विथड्रू ₹6 लाख फॉर डोमेस्टिक यूज़, तो कैपिटल में से माइनस कर देते हैं ड्रॉइंग्स. फिर उसके बाद हम ओपनिंग बैलेंस शीट देखते हैं और कोई अकाउंट्स अगर अभी रह गए हो जो स्टार्टिंग से आ रहे हैं. ओपनिंग बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं. ट्रेड पेबल्स हमने दिखा दिया है बैलेंस, एक्सपेंसेस पेबल हमने दिखा दिया है. फिर हमारे पास आ रहा है ओपनिंग कैपिटल, तो कैपिटल लिख देते हैं 50 लाख. उसके बाद एसेट साइड पर देखें प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर फिक्स्चर, इनका ओपनिंग बैलेंस हमारे पास है और पूरे साल में हमने क्या लगाया इन पर, डेप्रिसिएशन. तो बैलेंस शीट का अमाउंट निकालते हैं, क्लोजिंग अमाउंट क्या आएगा. तो प्लांट एंड मशीनरी ओपनिंग हमारे पास है 30 लाख, माइनस कर देते हैं डेप्रिसिएशन. ऐसे ही फर्नीचर फिक्स्चर 3 लाख माइनस डेप्रिसिएशन. 10% और 5%. एसेट्स पोस्ट कर दिया हमने. फिर उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल, कैश एट बैंक, इन्वेंट्रीज, ये तो हम ऑलरेडी पोस्ट कर चुके हैं. एक बार पी एंड एल आइटम दोबारा देख लें. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, पी एंड एल में जा रहा है, बैलेंस शीट में भी आएगा, कैपिटल में ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे पी एंड एल के अंदर आ रहा है एक्सपेंस साइड पर, साथ ही साथ इसका दूसरा इम्पैक्ट क्या होगा, कैपिटल के अंदर ऐड होगा. तो सोचो ट्रायल बैलेंस के बाहर अगर हमें दिया होता प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, तो हम क्या करते, पी एंड एल की डेबिट साइड पे दिखाते और कैपिटल के अंदर ऐड कर देते. तो कैपिटल में ऐड कर देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल.
यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैश में पे तभी करेंगे जब क्वेश्चन कहेगा. जब तक कैश पेमेंट की कोई बात नहीं आ रही, कैपिटल के अंदर ऐड होता जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो 6% के रेट पर है तो देखो कितना आएगा, 3 लाख. और कुछ कोई एडजस्टमेंट रह गई हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस, सब हमने एडजस्ट कर दिया है. अब करते हैं इस बैलेंस शीट को मैच. टेढ़ा क्वेश्चन है, उल्टा फुल्टा क्वेश्चन है, मैच हो रही है बैलेंस शीट? देखिए आराम से देखिए, क्या बैलेंस शीट मैच हो रही है? कैपिटल कितना आ रहा है? 60 लाख 70,000. और बैलेंस शीट टोटल 73 लाख 90,000. टेढ़ा मेढ़ा सा क्वेश्चन है ये, सीए नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए. ये सीए नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, हरी मिर्च की कुल्फी है और चूस कर खानी है. ठीक है, तो भाई ये टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन भी चलते रहेंगे, सीधा साधा नहीं है ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट. अब ये टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन आराम से देखो, कोई डाउट है तो पूछो, आराम से ज़रा देखिए प्लीज़. क्वेश्चन नंबर 30th. ड्रॉइंग्स डिडक्ट करके, मतलब नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैपिटल में ही ऐड करते हैं. दैट मीन्स इंटरेस्ट इज इन्वेस्टेड अगेन इन द बिजनेस. वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर आएगा, ओपनिंग कैपिटल पर देंगे पूरे साल का इंटरेस्ट. पेपर में आया हुआ सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट. बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, चॉकलेट क्वेश्चन है. जो सबसे पहले करेगा यहाँ पे आके पेपर प्रेजेंटेशन, आराम से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए भाई. डन, कंप्लीट कर लिया रजिस्टर में आपने, आ जाओ.
हाँ जी, कौन ठीक करेगा मिस्टेक? आज 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 आप बैठो, जब आपको पता चलेगा क्या मिस्टेक है तब आप सिर्फ अपना माथा पकड़ोगे कि ये मैंने क्या करा। हाँ जी, इज दिस करेक्ट? क्या गलती है? क्या गलती आ रही है? सही है, सब अमाउंट सही है ना? कोई अमाउंट गलत आ रहा है? फिर किस बात की दुश्मनी उसके साथ निकाल रहे हो तुम लोग? वेरी गुड भाई, एक चॉकलेट आपकी। वेरी गुड, वेरी गुड। तो जो पहले स्टूडेंट यहाँ पर आए उनसे क्या गलती हुई? भाई देखो, क्वेश्चन की लास्ट लाइन देखो और कितना कितना क्लियर करें। यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ अप रिवाइज्ड पीएनएल एंड बैलेंस शीट। तो यानी कि अब क्या इस समय भी पीएनएल वर्किंग नोट में बनाना है? नहीं, इस समय फाइनल आंसर है और पीएनएल पहले आएगा, बैलेंस शीट बाद में आएगी। और आप लोग क्या करते हो, इस टाइप का पेपर में करके आते हो, फिर बाहर आके क्या बोलते हो, आईसीएआई नंबर काटता है ना? इस टाइप की मिस्टेक होती है और इल्ज़ाम बेचारे आईसीएआई पर जाता है। इसलिए ध्यान रखना है, क्वेश्चन ने बोला पी एंड एल बैलेंस शीट दोनों बनानी है, दोनों बनानी है, तो पहले पी एंड एल बाद में बैलेंस शीट। अब देखो, डाउट्स बताइए इस क्वेश्चन में, कहीं कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है, आगे चलेंगे हम।
रजिस्टर के अंदर अगले अकाउंट का नाम लिखेंगे, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कौन बनाता है? कौन सी एंटिटी? मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। तो ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट तो सारी एंटिटीज़ बनाती हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी साथ में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बनाती हैं। दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू कैलकुलेट the cost of goods produced during the year. This account is prepared to calculate the cost of goods produced during the year. The balancing figure of this account represents cost of production and is further transferred to the trading account. जैसे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट से जीपी निकाल के पी एंड एल में लेके जाते हैं, पी एंड एल से नेट प्रॉफिट निकाल के बैलेंस शीट में लेके जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही सीक्वेंस चलेगी। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर ट्रेडिंग में जाएगी, ट्रेडिंग से जीपी पी एंड एल में जाएगा, पी एंड एल से नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट में जाएगा। So the balancing figure is further transferred to the trading account. Next line, all expenses related to manufacturing unit. All expenses related to manufacturing unit, bracket में लिखेंगे, like wages, rent of factory, depreciation of building, etc. shall be shown in manufacturing account. मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो कौन बनाएगा? मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, यानी कि वो एंटिटीज़ जो सामान को पहले बनाती हैं फिर उसके बाद बेचती हैं, वो बनाती हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अब ये अकाउंट क्या होता है, इसको समझने के लिए एक कहानी सुनते हैं। हमारे बचपन के दो दोस्त थे, राम और श्याम। उनका एक सपना था कि वो बड़े होकर समोसे बेचेंगे, बड़े होकर वो समोसे बेचेंगे। अब वो बड़े हो गए हैं और उनका इच्छा है कि इस समोसे बेचने के बिज़नेस को जो है स्टार्ट किया जाए। मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस है या ट्रेडिंग बिज़नेस है? मैन्युफैक्चरिंग, पहले समोसे बनाएंगे फिर उसके बाद जो है बेचेंगे। अब वो आपके पास आए हैं क्योंकि आपको वो समझदार इंसान समझते हैं, क्योंकि आप क्या हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट। वो आपको कह रहे हैं हमारे पास पैसा है बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, आप हमें बताइए बिज़नेस स्टार्ट करना है, किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, क्या क्या हमारा खर्चा होगा, क्या क्या हमें करना है,
आप हमें बताएं। आपने कहा बता देंगे लेकिन फीस लगेगी। उन्होंने कहा ठीक है, कितनी फीस लगेगी? 2 करोड़। इसकी बात सुन के मैं एक वीडियो दिखाऊंगी, उसको डेडिकेटेड है, एक वीडियो दिखाऊंगी मैं। तुम्हारा क्या नाम है? क्या? हर्ष। हर्ष को डेडिकेटेड है ये वीडियो, ठीक है? ध्यान से देख लो, हर्ष जैसे बच्चों को डेडिकेटेड है ये वीडियो। 10 करोड़ का देख, अगर मुझे 10 करोड़ मिल गए ना, उसमें से 1 करोड़ तेरे को दे दूंगा। अरे ज्यादा चाहिए? चलो 2 करोड़ दे दूंगा। चल 3 करोड़ देता हूँ। अरे फिर कितना चाहिए? हाँ, तो हर्ष जैसे बच्चों को हम इग्नोर करेंगे। आपने कहा भाई फीस लगेगी। रामू श्यामू ने नहीं, राम श्याम, उन्होंने बोला ठीक है फीस दे देंगे, आप हमारा बिजनेस स्टार्ट कराओ। तो बोलो भाई, उनको इस बिजनेस को करने के लिए क्या क्या सामान की ज़रूरत है? बोलो, समोसे का बिजनेस करना है, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग, क्या क्या काम सामान चाहिए? आलू चाहिए, मैं हिंदी में लिख दूँ, आलू चाहिए, और ऑयल चाहिए। पहले तुम लोग सीधा आलू खरीदवाओगे या पहले कोई बिल्डिंग विल्डिंग ले लें, है ना? पहले कोई एक बिल्डिंग ले लें हम, फैक्ट्री आउटलेट। अच्छा, इसके बाद सीधा आलू या पहले कोई इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, वाटर कनेक्शन, कुछ ये सब ले लें? तुम लोग तो सीधा आलू और मैदे पर ही हो। अच्छा, तो हमने कहा भी कुछ इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन भी चाहिए होगा, फिर वाटर कनेक्शन भी चाहिए, फिर कुछ फर्नीचर चाहिए, तो चेयर टेबल कुछ फैक्ट्री में लगेगा, वो फर्नीचर भी चाहिए, गैस कनेक्शन चाहिए। ओके, अब आलू मैदा पर आ जाओ। हाँ, क्या क्या चाहिए? आलू कढ़ाई चाहिए, ओके, कढ़ाई चाहिए, और मटर चाहिए, मैदा चाहिए। मैदे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैदे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओए होए, क्या बात है, ये 2 लड़कियां तो ऑल पर्पस फ्लोर। हाँ, बाकी बच्चे तो चुप ही बैठे थे, इन दोनों ने तुम्हारी क्लास की इज्जत रखी है, ऑल पर्पस फ्लोर। और क्या चाहिए? हरी चटनी चाहिए, वेरी गुड। हरी चटनी के लिए हमें धनिया, ये कमाल की बात है, मतलब इतना बढ़िया लग रहा है मुझे देखकर, हरी चटनी की रेसिपी गर्ल्स से ज़्यादा बॉयज बता रहे हैं कि हरी चटनी में हमें क्या क्या चाहिए। अच्छा, धनिया, पुदीना और अच्छा मिर्ची चाहिए, चलिए स्पाइसेस चाहिए हमें। अच्छा, अब देखो कहानी के अंदर ट्विस्ट ये है कि राम और श्याम को समोसे बनाने नहीं आते, तो फिर हम किसी को रखेंगे जो समोसे बनाएंगे, ठीक है? तो उन्होंने शेफ को रखा है जो समोसे बनाएंगे। अच्छा, और कुछ चाहिए? ऑयल लिख दिया मैंने, और कुछ? अच्छा, ये बताओ वो जो प्रिमाइसेस है उसकी साफ सफाई, या ऐसे ही साफ सफाई चाहिए होगी? तो उसके लिए हमने छोटू को रखा है, ठीक है? अच्छा, और कुछ चाहिए या हो जाएगा बिजनेस शुरू? गैस चाहिए, स्टोव चाहिए, टिश्यू पेपर चाहिए। हाँ, बहुत ठीक है, चलो। यानी कि अगर आप लोगों को समोसे का बिजनेस करना पड़े तो आप कर लोगे, बिल्कुल रेडी हो करने के लिए। अच्छा, अब देखो ज़रा ध्यान से, अब समोसे से बाहर आ जाएं, अब ज़रा ध्यान से देखो। हमने छोटा सा प्रोडक्शन का एग्जांपल लिया कि हम बना रहे हैं समोसे।
तो अगर हम छोटी सी मैन्युफैक्चरिंग देखें तो उसके अंदर भी हमारे पास बहुत सारे खर्चे आ जाते हैं। अभी तो इसमें हमने सारे खर्चे लिखे नहीं। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, बहुत सारे खर्चे हैं एक छोटी सी मैन्युफैक्चरिंग में। अब अगर हम इसी को लार्ज स्केल पर ले जाएं, तो जो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ होती हैं उनको सामान को बनाने के लिए बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं पूरे साल में। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ये कह रहा है, भाई हम इस अकाउंट को क्यों बना रहे हैं, हमने पूरे साल में जितना सामान बनाया है उसको बनाने में कितना खर्चा लगा है वो ये अकाउंट मुझे बताएगा। ट्रेडिंग अकाउंट हम क्यों बनाते हैं, टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हम क्यों बनाते हैं, टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सामान को बनाने में मेरा कितना खर्चा लगा। अब जब मुझे देखना है कि सामान को बनाने में कितना खर्चा लगा, तो उसका क्या तरीका है, ये जितने भी खर्चे हुए हैं सबको डेबिट करते जाओ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर। तो ICAI सेज कि अगर हम लोग ऐसे करने लगेंगे, वन बाय वन सारे खर्चे को डेबिट करेंगे, तो ये तो बहुत ही लंबा अकाउंट बन जाएगा, टू मच अकाउंटिंग हो जाएगी। तो ICAI ने मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ की अकाउंटिंग के लिए क्या करा, उन्होंने कहा देखो ऐसा करो, आपका जो मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा है ना, उसको तीन मेजर पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट खर्चा होता है रॉ मटेरियल के ऊपर। भाई व्हाट इज़ मैन्युफैक्चरिंग, व्हाट इज़ प्रोडक्शन, डेफिनेशन, व्हाट इज़ प्रोडक्शन, क्या व्हाट इज़ प्रोडक्शन, कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड। भाई प्रोडक्शन की तो डेफिनेशन ये है, कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड। तो सबसे मेजर खर्चा होगा रॉ मटेरियल पर, तो एक तो हमारी कैटेगरी ये है, एक्सपेंडिचर ऑन रॉ मटेरियल। दूसरा मेजर खर्चा होने वाला है लेबर के साथ। जहाँ प्रोडक्शन है वहाँ लेबर तो है ही। दूसरी कैटेगरी हमारी है लेबर का खर्चा, जिसको हम बोलते हैं वेजेस। बाकी जितने भी खर्चे आते हैं सबको हमने एक नाम दे दिया, एक्सपेंसेस। तो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी जो मैन्युफैक्चर कर रही है, मैन्युफैक्चर करने का खर्चा तीन कैटेगरी में डिवाइडेड है। एक खर्चा हुआ रॉ मटेरियल के ऊपर, दूसरा खर्चा हुआ लेबर के ऊपर, बाकी जितने भी खर्चे हुए वो सारे के सारे एक्सपेंसेस। फर्दर इन सारी कैटेगरी को दो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। यानी कि मेरे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर डेबिट साइड में छह चीज़ें दिखा रहे हैं, डायरेक्ट रॉ मटेरियल, इनडायरेक्ट रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कौन सी चीज़ है डायरेक्ट, कौन सी चीज़ है इनडायरेक्ट? रॉ मटेरियल जो प्रोडक्ट का पार्ट बन जाता है, दैट इज़ डायरेक्ट। वो मटेरियल जो हमें चाहिए लेकिन वो प्रोडक्ट का पार्ट नहीं बनता, दैट इज़ इनडायरेक्ट। डायरेक्ट, मुझे समोसा बनाना है आलू, डायरेक्ट के इनडायरेक्ट? डायरेक्ट, वो उसका पार्ट बनेगा। मैदा, डायरेक्ट। ऑयल, डायरेक्ट। स्पाइसेस, मटर, डायरेक्ट मेरे प्रोडक्ट का पार्ट बन रहे हैं। यूटेंसिल, इनडायरेक्ट रॉ मटेरियल। मेरा मटेरियल है, मेरे को चाहिए समोसा बनाने के लिए, लेकिन कढ़ाई समोसे का पार्ट नहीं बनती, तो इट इज़ इनडायरेक्ट मटेरियल। एग्जामिनेशन क्वेश्चन इज़ वेरी स्पेसिफिक, हमें नहीं सोचना व्हाट इज़ इनडायरेक्ट मटेरियल, वो हमें खुद बताते हैं दिस मटेरियल इज़ इनडायरेक्ट। वेजेस एंड एक्सपेंसेस। वेजेस, अगर मैं आपसे पूछूं शेफ के वेज और छोटू के वेज कौन सा डायरेक्ट कौन सा इनडायरेक्ट, शेफ का डायरेक्ट, छोटू का इनडायरेक्ट, सिंपल क्राइटेरिया है।
जो लेबर मेरा सामान बना रही है दैट इज डायरेक्ट, और जो बाकी सब में मेरी मदद कर रही है दैट इज इनडायरेक्ट. एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस का क्राइटेरिया है पर यूनिट आ रहे हैं या नहीं. अगर पर यूनिट आएंगे तो डायरेक्ट, पर यूनिट नहीं आएंगे तो इनडायरेक्ट. तो क्वेश्चन मुझे कोई भी खर्चा देगा विच इज पर यूनिट तो वो हो गया डायरेक्ट, और अगर कंबाइंड अमाउंट है तो वो हो गया इनडायरेक्ट. मेरे बिजनेस के अंदर बताओ बुक्स का खर्चा डायरेक्ट, मैं बता सकती हूँ एक स्टूडेंट पर कितना, तो बुक्स का खर्चा डायरेक्ट. इलेक्ट्रिसिटी का बिल इनडायरेक्ट, क्या मैं कह सकती हूँ एक बच्चे ने कितनी लाइट कंज्यूम कर ली, नहीं. और हम यहाँ पे लॉजिकल बात कर रहे हैं, मैथ्स की कैलकुलेशन की नहीं, कि आपको मैम दिक्कत क्या है टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वो बात नहीं हो रही यहाँ पे. लॉजिकली पर यूनिट आ रहा है या नहीं, तो जो पर यूनिट आएगा डायरेक्ट, जो पर यूनिट नहीं आएगा वो इनडायरेक्ट. अब आलू आपने का कौन सा मटेरियल है, डायरेक्ट. जो भी हमारा मैन्युफैक्चरर है सामान को बनाने के लिए, सामान को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है ये तो मार्केट से आएगा, ये बात पक्की है. ये तो हम नहीं बनाएंगे, हम फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं, रॉ मटेरियल मार्केट से लाते हैं. तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने पूरे साल में जितना रॉ मटेरियल खरीदा वो मटेरियल 31 मार्च को सारा का सारा यूज़ नहीं हुआ? क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि भाई रॉ मटेरियल मैं मार्केट से खरीद रही हूँ. हो सकता है सप्लायर मुझे क्वांटिटी का डिस्काउंट अच्छा दे रहा है तो मैंने ज़्यादा क्वांटिटी ले लिया. मैंने कहा कोई बात नहीं, इस साल यूज़ नहीं होगा अगले साल यूज़ होगा, हमारा तो रॉ मटेरियल है, हमें तो यही चीज़ चाहिए. तो 31 मार्च को ज़रूरी नहीं है कि सारा रॉ मटेरियल यूज़ हुआ हो. तो फिर बात यह है कि हम जब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर रॉ मटेरियल का खर्चा दिखाएंगे तो क्या वो दिखा दें जो हमने खरीदा या वो दिखाएं जो हमने यूज़ किया? तो सपोज़ मैंने पूरे साल में 300 किलो आलू खरीदे, 300 किलो आलू खरीदे, लेकिन पूरे साल में 250 किलो आलू मेरे यूज़ हुए हैं. तो 31 मार्च को 50 किलो आलू मेरे पास है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से हम क्या निकाल रहे हैं, क्या पर्पस है बनाने का, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. यानी कि मैं ये निकाल रही हूँ पूरे साल में जितने समोसे बने हैं उसका खर्चा कितना है. तो जब मैं पूरे साल की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल रही हूँ तो कितने का खर्चा दिखाऊं, 300 किलो आलू का दिखाऊं या 250 किलो का दिखाऊं? 250 किलो का, बात लॉजिकल है. तो इसको हम बोलते हैं आपने रॉ मटेरियल जो खरीदा वो नहीं दिखाओगे, आपने रॉ मटेरियल जो कंज्यूम किया वो दिखाओगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में. तो आपने खरीदा 300 किलो तो 300 किलो मत दिखाना, आपने यूज़ करा 250 किलो तो कितने का खर्चा दिखाओगे, 250 किलो का खर्चा दिखाओगे. कंज्यूम्ड का मतलब क्या है, हमने कितना यूज़ कर लिया. अब कंज्यूम्ड को निकालने का एक फॉर्मूला होता है, मैं आपसे बिना फॉर्मूले के पूछ रही हूँ. सपोज़ आपके पास ना चॉकलेट्स खूब सारी इकट्ठी हो गई हैं, ठीक है, ऐसे कलेक्ट करते जा रहे हो क्वेश्चन के आंसर दे दे के, आपके पास चॉकलेट्स इकट्ठी हो गई हैं. संडे को आपके पास ना 5 चॉकलेट्स हैं संडे को, फिर उसके बाद मंडे टू सैटरडे आपने 4 चॉकलेट्स और ले ली पूरे हफ्ते में. फिर जो नेक्स्ट संडे आया मैंने आपसे पूछा आपके पास कितनी चॉकलेट हैं, तो आपने कहा मैम 2 हैं. तो मैंने कहा बाकी कहाँ गई,
बाकी कहाँ गई चॉकलेट? तो आपने कहा वो भाई ने चोरी कर ली, ठीक है। मैंने कहा भी आपके पास शुरुआत में 5 थी, फिर पूरे हफ्ते आपको 4 और मिल गई, अब कितनी है? आप बोल रहे हो 2। मैंने कहा बाकी कहाँ गई? तो आपने कहा खा ली। तो मैंने आपसे पूछा कितनी चॉकलेट खा ली बताओ, ऐसी बता दो कि या कोई फॉर्मूला चाहिए? ऐसी बता दो कि कितनी चॉकलेट खाई आपने? 7। अब अगर मैं पूछूं किसको किससे प्लस किया और क्या माइनस किया? 5 + 4 - 2। अब मैं बना देती हूँ फॉर्मूला, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। तो अगर हमें ये निकालना है कि पूरे साल में हमने कितना मटेरियल कंज्यूम करा फॉर प्रोडक्शन, तो कैसे निकालेंगे? ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। अच्छा, क्या आपने ये शब्द सुना है WIP, सेमी फिनिश गुड? कभी देखा है मार्केट में जाते हो समोसे वाले भैया की शॉप पर, उन्होंने एक वो बड़े बर्तन में समोसे बना करके रेडी करके रखे हैं, फ्राई नहीं हुए अभी, है ना? तो वो मैदे वाले वो वाइट कलर के वो समोसे रेडी हैं, वो जो समोसे हैं उनको क्या बोल रहे हैं हम? वर्क इन प्रोग्रेस, सेमी फिनिश गुड। क्या वो रॉ मटेरियल है? नहीं, वो आलू मिक्स हो चुका है, समोसे की शेप आ चुकी है, समोसा एकदम रेडी हो चुका है, तो वो रॉ मटेरियल नहीं है। क्या वो खा सकते हैं? नहीं, तो वो फिनिश गुड भी नहीं है। तो वो जो बीच की स्टेज है प्रोडक्शन में, उसको क्या बोल रहे हैं हम? वर्क इन प्रोग्रेस। अब आपने इकोनॉमिक्स में ज़रूर सुना होगा स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर, क्या मतलब होता है इसका? तुम लोग जब ऐसे चुप हो जाते हो फिर लगता है सुना सुना नहीं है, सुना सुना है। स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर, काम को डिवाइड कर देते हैं कैसे? स्पेशलाइजेशन के बेसिस पर। सपोज क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है, क्लॉथ बना रहे हैं, शर्ट बना रहे हैं, क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी क्या करती है? इसके पास अंदर डिपार्टमेंट्स होंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। एक डिपार्टमेंट है परचेज, अगर और टेक्निकल लैंग्वेज में बोलूं तो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट। इनका काम क्या है? मार्केट से ये क्लॉथ खरीदेंगे। तो एक पूरा डिपार्टमेंट है, उसका काम ही क्या है? मार्केट से खरीदो। मार्केट से सामान खरीदना आसान काम थोड़ी है, देखो कितनी क्वालिटी अवेलेबल है, क्या प्राइस अवेलेबल है। आपका काम है सामान को आप खरीदो, खरीद करके आप अगले डिपार्टमेंट को दे दो। इनका काम है, ये क्लॉथ की कटिंग करते हैं। सपोज़ ये शर्ट बना रहे हैं, तो भी ये शर्ट बना देंगे, वो जो क्लॉथ है उसको काट करके शर्ट को वो स्टिच कर देंगे। शर्ट बन गई, अब इनका काम है इसको आगे अगले डिपार्टमेंट पर दे दो। अगले डिपार्टमेंट का काम है इस पर बटन्स का काम करना है, और अगर कहीं स्टाइलिश कॉलर्स लगने हैं तो वो भी काम करना है, कफलिंग्स का काम है तो वो भी करना है। तो इसका ये सारा काम है। सारा कुछ रेडी होने के बाद लास्ट इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट है, इसको दे दो, ये प्रोडक्ट को चेक करेगा। इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट ओके करेगा, मैन्युफैक्चरिंग हमारी कंप्लीट है। अब ये वाला जो काम चल रहा है, तो देखो जिसको शर्ट बनाना है उसको समय ज़्यादा लगेगा, जिसको बटन्स लगाने हैं उसको समय कंपैरेटिवली कम लगेगा, और इस टाइप के एन नंबर ऑफ डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि 31 मार्च को कुछ शर्ट्स हमारी ऐसी हैं जो इस डिपार्टमेंट से बाहर निकल चुकी हैं लेकिन यहाँ पर अभी रखी हुई हैं। शर्ट बन करके आ चुकी है, बटन लगना अभी बाकी है, बटन लगा 10 अप्रैल को। तो 31 मार्च को हम इसको क्या बोलेंगे? WIP का स्टॉक। तो हमारे पास कितने स्टॉक हो गए? कितने स्टॉक हो गए? 3 स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ
WIP स्टॉक ऑफ फिनिश गुड तो होता ही है, फिनिश गुड में तो कोई डाउट है ही नहीं। तो मेरे पास मेरे बिजनेस में रॉ मटेरियल का भी स्टॉक होगा, WIP का भी स्टॉक होगा, फिनिश गुड का भी स्टॉक होगा। अब तुम सबका अकाउंट्स फेवरेट सब्जेक्ट है, तो तुम सबको अकाउंट्स की कसम मुझे सच्चे सच्चे जवाब दोगे, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हम लोग जो स्टॉक दिखाते हैं, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, वो स्टॉक इन तीनों में से किसी एक चीज का होता है या तीनों का टोटल होता है? स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ WIP, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, और तीनों का टोटल। तुम्हें अकाउंट्स की कसम है, तुम्हें तुम्हारे फेवरेट सब्जेक्ट की कसम है। हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, स्टार्टिंग वहीं से की थी ना। ये वाला स्टॉक किसका है? ये रॉ मटेरियल है, WIP है, फिनिश गुड है, या ये टोटल है? कितने बच्चे कह रहे हैं फिनिश गुड, और कितने बच्चे कह रहे हैं टोटल, और कितने बच्चे कह रहे हैं रॉ मटेरियल, WIP? बोलो, जिस अकाउंट के अंदर स्टॉक है उस अकाउंट का नाम क्या है? जिस अकाउंट के अंदर ये स्टॉक मैं पूछ रही हूं आपसे, उस अकाउंट का नाम क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग का मतलब, ट्रेडिंग का मतलब फिनिश गुड, ट्रेडिंग का मतलब सेल, परचेज करना। तो हम लोग सेल रॉ मटेरियल की करते हैं, WIP की करते हैं, कि फिनिश गुड की करते हैं? फिनिश गुड की करते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर स्टॉक किसका जाएगा? फिनिश गुड का। PwC का इंटरव्यू क्वेश्चन है ये कि जी PwC प्राइस वाटरहाउस कूपर्स, वन ऑफ द बिग फोर, उनका इंटरव्यू क्वेश्चन है ये। आप सोचो जरा इंटरव्यू में क्या पूछ रहे हैं। तुम लोग इंटरव्यू की तैयारी करके जाओगे, पूरी बुक रट के जाओगे, भाई सब क्या पूछेंगे, सब बुक रट ली। वहां जाके वो कह रहे हैं ट्रेडिंग में स्टॉक कौन सा आता है, तो कैसे पकड़ोगे ना? कौन सा अकाउंट है? ट्रेडिंग अकाउंट। क्या दिखा रहा है? ट्रेडिंग। क्या मैं रॉ मटेरियल को बेचती हूँ? 30 किलो पे मैं आलू लाई हूँ मार्केट में, मुझे बायर मिल गया 40 किलो रुपए किलो पे खरीदेगा, बेच दूँ उसको, फिर क्या करूँ उसके बाद? फिर और खरीदूँ मैं। रॉ मटेरियल को हम नहीं बेचते, WIP को तुम बेच के देख लो, तुम्हें बायर ही नहीं मिलेगा, आधी अधूरी शर्ट खरीदेगा तुमसे कोई। तो हम सिर्फ किसको बेचते हैं? फिनिश गुड को। अब देखो, फिनिश गुड का स्टॉक तो गया कहाँ पे? गया ट्रेडिंग अकाउंट में। रॉ मटेरियल का स्टॉक, रॉ मटेरियल का स्टॉक ये आपने यहाँ पे निकाला था, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। और रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हम कहाँ दिखा रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। अब जो हमारा है WIP, साल का ओपनिंग और साल का क्लोजिंग, तो क्या हम ये बात श्योरिटी से कह सकते हैं कि भाई जो साल के स्टार्टिंग में ओपनिंग था वो डेफिनेटली इस साल के अंदर क्या बन गया होगा? फिनिश गुड बन गया होगा ना। जो 1 अप्रैल को WIP था वो इस पूरे साल के दौरान में क्या बन गया होगा? फिनिश गुड बन गया होगा। और जो साल के एंड में WIP है वो फिनिश गुड कब बनेगा? वो अगले साल बनेगा। तो हमारा ये जो स्टॉक है, ओपनिंग WIP, क्लोजिंग WIP, ये भी हम कहाँ दिखाते हैं? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर, क्योंकि जो इस साल का ओपनिंग WIP है वो ड्यूरिंग द ईयर क्या बन गया है? फिनिश गुड। और हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से क्या निकाल रहे हैं? पूरे साल में जो मैंने सामान बनाया उसके ऊपर खर्चा कितना है। और इस अकाउंट का सबसे खतरनाक पोर्शन, सबसे बड़ा एरिया ऑफ मिस्टेक, वो ये है,
हमने लिखा फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, ये भी कहाँ जाने वाली है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में. अब देख लो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की कहानी. इससे पहले कि हम अकाउंट बनाएं, इस अकाउंट में क्या क्या जा रहा है भाई? ये है हमारी मार्केट. मार्केट से हम क्या खरीदते हैं? रॉ मटेरियल. मार्केट से रॉ मटेरियल खरीदा, मैं उसको लेकर के आई अपनी फैक्ट्री में. फैक्ट्री में मैंने क्या बनाया? फिनिश गुड. फिनिश गुड बनाने के बाद ये मटेरियल यहाँ से निकल गया और ये कहाँ गया? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट पर. आप सब अवेयर होंगे इस बात के लिए कि भाई इंडस्ट्रियल एरिया सारे हमारे अलग हैं, सारा प्रोडक्शन जो है वो दूसरी जगह पर हो रहा है. तो फैक्ट्री में तो सामान सिर्फ बनेगा, उसके बाद वो मार्केट तक आएगा बिकने के लिए. तो हमारी चेन कुछ ऐसी चल रही है, हमने रॉ मटेरियल बाय किया मार्केट से. मार्केट से लेकर के हम रॉ मटेरियल को गए फैक्ट्री में, फैक्ट्री के अंदर हुआ प्रोडक्शन, फिर फैक्ट्री से ये सामान बाहर निकल गया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट तक. अब अगर हम बात करें फ्रेट की, फ्रेट यानी कि रास्ते का खर्चा. देखो मेरी फ्रेट कितनी लग रही है, रॉ मटेरियल को फैक्ट्री तक लेकर के आऊँगी फ्रेट है, फैक्ट्री से रॉ मटेरियल को सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन तक लेकर के जाऊँगी फ्रेट है. अगर मेरी होम डिलीवरी है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से मैंने उसको कस्टमर के घर तक पहुंचाया है, अगेन एक फ्रेट है. इसी को हम आउटवर्ड बोल देते हैं ना, जो हमारा कस्टमर के घर तक जाता है वो आउटवर्ड हो जाता है और जो हम तक सामान आता है वो इनवर्ड हो जाता है. इस फ्रेट की जर्नी में ये वाला जो फ्रेट है ना, ये जाएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में और ये फैक्ट्री के बाद के जो खर्चे हैं ना, ये बटेंगे ट्रेडिंग और पीएनएल में. अब ये जो मेरी फैक्ट्री है, ये एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन ये जाएगी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में और इस फैक्ट्री से अब आप बाहर निकले, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी आपका बिल्डिंग है, आपका एक ऑफिस होगा जहाँ पे सारा ऑफिशियल काम हो रहा है, वो भी आपकी बिल्डिंग है. इन सब बिल्डिंग्स की डेप्रिसिएशन ये जाएगी पी एंड एल के अंदर. कहो तो सबसे मुश्किल पार्ट है, समझो तो गलती से बच सकते हो. सिर्फ माइंड से बचना है, क्योंकि माइंड ने दोस्ती क्या करी हुई है, डेप्रिसिएशन कहाँ जाता है? पी एंड एल में. तो डेप्रिसिएशन जब तुम मैन्युफैक्चरिंग में डालोगे तो तुम्हारा दिल मानेगा नहीं, ये क्या हो रहा है, डेप्रिसिएशन कहाँ जाता है? पी एंड एल में. तो सिर्फ हमें इतना समझना है, जो मेरी फैक्ट्री आउटलेट है जहाँ पर हमने सामान को बनाया, जब मैं ये कैलकुलेट करना चाहती हूँ कि सामान को बनाने का कितना खर्चा है, तो उस खर्चे में बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन भी तो जोड़ूंगी. जिस बिल्डिंग में मैंने सामान बनाया उसकी डेप्रिसिएशन भी तो जुड़ेगी. सामान को बनाने में मैंने फर्नीचर यूज़ किया, उसका डेप्रिसिएशन भी तो जुड़ेगा. जिस प्लांट एंड मशीनरी ने सामान को बनाया उसका डेप्रिसिएशन भी तो जुड़ेगा. तो यहाँ पर रूल सिर्फ इतना है, फैक्ट्री प्रिमाइसिस तक हो, सारा का सारा खर्चा कहाँ जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में. और फैक्ट्री से एक बार निकल गए, फिर देख लो ट्रेडिंग में जाना है या फिर पी एंड एल में. ठीक है, थोड़ी थोड़ी दोस्ती अभी हाय हेलो हुई है, अब बनाते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का फॉर्मेट. लॉ की क्लास है, क्या हुआ? ब्रेक ही चल, बस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर्मेट बनाएंगे बस. देखो फॉर्मेट बनाना तो ब्रेक ही होता है, क्वेश्चन थोड़ी कर रहे हैं हम. नहीं देखो, अगर मैं अभी नहीं बनवाऊं तो तुम्हारे दिल में रह जाएगा ना कि यार क्या होता, कैसा बनाते हम, बस इसीलिए.
अरे रह जाएगा तुम्हारे दिल में, ऐसे तुम्हें लगेगा यार हमने आज सीखा फॉर्मेट बनाया अभी नहीं, ये तो बहुत गलत बात है। इसके अंदर सिक्स कॉलम्स हमारे इस अकाउंट के अंदर, ओनली इन दिस अकाउंट क्वांटिटी का कॉलम भी आता है। क्योंकि हम सामान की प्रोडक्शन की कॉस्ट देख रहे हैं इसलिए क्वांटिटी कॉलम आता है। तो फॉर्मेट में क्वांटिटी कॉलम आता है, हमारे क्वेश्चंस में नॉर्मली क्वांटिटी दी नहीं होती तो कॉलम हम बनाएंगे बट वो खाली रह जाता है, क्वेश्चंस में नहीं गिवन होती लेकिन रियल लाइफ में क्वांटिटी का कॉलम होता है। सबसे पहले डेबिट साइड पर टू ओपनिंग WIP स्टॉक, उसके बाद रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, देन डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर एक लाइन का गैप देकर इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डेबिट साइड कंप्लीट है, बस यही हमने देखा था, तीन खर्चे हैं, तीनों के दो दो पार्ट। फिर क्रेडिट पर लिखेंगे हम क्लोजिंग WIP, बाय सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट्स। इसको समझाना बनता है पर मैं कल समझाऊंगी, ठीक है। बाय सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट्स, हाँ हाँ क्यों नहीं, ब्रैकेट में लिखेंगे @NRV, ब्रैकेट में लिखेगा @NRV नेट रियलाइजेबल वैल्यू। और लास्ट में बाय ट्रेडिंग अकाउंट, ये है हमारी बैलेंसिंग फिगर, ब्रैकेट में कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, बस ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है। ठीक है, फिर आज की मुलाकात ख़त्म हुई। थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइलिंग।